इस जिला की 3 तहसीलें हैं, तहसील नाला खुर्द, तहसील उकाड़ा और तहसील दीपालपुर। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था ना शहर, वो इसकी तहसील है। ये चिकन कढ़ाई है, ये चिकन कबाब है, ये मलाई बोटी है, ये बिरयानी है और ये फिश है। ये है जी इनकी कलाकंद, देखिए। एग्रीमेंट कोई नहीं, किसी किस्म का नहीं है, ये है किरायादारी निजाम, बस किराए। अच्छा, किरायादारी निजाम है, जितनी देर मर्जी बैठे रहे आप। तो आप दुआ करें मैं खैर आफियत से अपने घर तक पहुंचूं। सड़क काफ़ी ख़राब है, मुझे लग रहा है कि दरिया आ गया। वीवर्स, मैं दीपालपुर से उकाड़ा आ गया हूँ वापस। ये देखें, ये पुल है, ये काफ़ी लंबा है। इसका नाम है कैप्टन सफदर शहीद पार्क। ये पार्क है, इधर अंदर जाके फिर मैं आपको ना इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। कोई पार्किंग नहीं है स्पेशल यहाँ पे, या हो भी तो मुझे पता नहीं है। चलाएं ज़रा अंदर चल के देखते हैं इसको। मैं इस वक्त कैप्टन सफदर शहीद पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त ये शहर आबाद है। यहाँ पहले बहुत बड़ा एक जंगल हुआ करता था और उस जंगल का जो ज़्यादातर हिस्सा था वो उकान के दरख्तों पर मुश्तमिल था। उकान की नस्बत की वजह से इसको ये नाम दिया गया, जो आहिस्ता आहिस्ता कसरत इस्तेमाल से उकाड़ा बन गया। इसके बारे में जो दूसरी राय है वो ओकड़ा है, क्योंकि दरियाए सतलुज यहाँ का एक बहुत बड़ा दरिया है जिसका पुराना नाम हाकड़ा था। इस वजह से इसको ओकड़ा का नाम दिया गया, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता ओकाड़ा बन गया। ये एक प्रॉपर मनसूबाबंदी के तहत तमीर होने वाला शहर है। ये सारा शहर नया तमीर किया गया था ना। इस ज़िला की 3 तहसीलें हैं, तहसील नाला खुर्द, तहसील उकाड़ा और तहसील दीपालपुर। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था ना शहर, वो इसकी तहसील है। इस ज़िला का जो टोटल रकबा है वो 4,370 मरबा किलोमीटर है। ये सतह समुद्र से 345 फिट ऊँचा है। पाकिस्तान की जो मशहूर सेलेब्रिटी आफ्ताब इकबाल साहब, उनका ताल्लुक भी इसी शहर से है। तो मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ, खाना खा के फिर मैं आपको बाकी शहर दिखाता हूँ। काड़ा में इस वक्त बेंदी रोड पे मौजूद हूँ, हाजी मोहम्मद सरदार मछली फरोश उनके पास आया हूँ। तो आए देखते हैं कैसा टेस्ट है इनका, इनको ऑर्डर करते हैं। और मैंने इनको ये चिकन कबाब, चिकन मलाई बोटी, ये देखें तवा फिश और चिकन कढ़ाई ऑर्डर की है। ये भाई बता रहे हैं कि मक्खन में ये बनाते हैं। ऑर्डर आ गया, ये चिकन कढ़ाई है, ये चिकन कबाब है, ये मलाई बोटी है, ये बिरयानी है और ये फिश है। तो अब मैं आपको टेस्ट चेक करके फिर बताता हूँ कैसा टेस्ट है इनका। बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले चिकन कढ़ाई का करता हूँ। अच्छा टेस्ट, ये इनके मलाई बोल रही है। बड़ा अच्छा टेस्ट है। अच्छा इनका ये दावा, ये ना देसी घी में तैयार करते हैं। ये भाई कह रहे थे मैंने आपको मक्खन में तैयार करके दिया।
टेस्ट तो वाकई इनका डिफरेंट लग रहा है। बट टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है ना, कमाल का टेस्ट है। फिश भी बड़ी ज़बरदस्त है इनकी। ये देखें ये फिश, ये मैंने चेक की थी थोड़ी सी, अभी तक मैंने इनकी बिरयानी का टेस्ट चेक नहीं किया, तो वो भी आपको चेक करके ना फिर बताता हूँ कैसा टेस्ट है। तो व्यूअर्स खाना मैंने खा लिया इनका, बड़ा अच्छा टेस्ट था इनका। तो आप जब भी आएँ ओकाड़ा में तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। अब मैं जा रहा हूँ, एक दिल्ली स्वीट है यहाँ पे, काफ़ी पुरानी शॉप है, तो वहाँ जाके उनकी मिठाई वगैरह टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके फिर मैं आपको बताता हूँ कैसा टेस्ट है उनका भी। तो व्यूअर्स मैं दिल्ली स्वीट एंड बेकर्स पे आया हूँ, ये काफ़ी पुरानी शॉप है, तकरीबन ये लिखा है सामने 1948 की है इसकी सीन, तो काफ़ी सुना था इसके बारे में। आए आज इसका टेस्ट चेक करते हैं, टेस्ट चेक करके फिर आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है इनका। अच्छा भाई जान, आप मुझे ये बताएं कि आपका स्पेशल क्या है, स्पेशल आइटम कौन सी है? स्पेशल आइटम आपका मनपसंद है कलाकंद है और पिस्ता बादाम बर्फी है, ये मिठाइयों में सबसे आला सी। अच्छा, इनमें से चेक करवाएं आप जरूर। ये पेपर ले लो। अच्छा ये क्या है भाई? मनपसंद। ये मनपसंद है जी। बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है आपका। अच्छा इसके अलावा और कौन सी चीज़ जो आपकी फेमस है, कोई और? ये क्या भाई? ये पिस्ता बादाम, पिस्ता बादाम बर्फी। अच्छा ये क्या है? ये कलाकंद। ये स्पेशल है ये? अच्छा अच्छा ये भाई मुझे ना कलाकंद बर्फी चेक करवाने लगे हैं। अच्छा ये क्या है भाई? कलाकंद। इसको कलाकंद कैसे हैं? ये पिस्ता बादाम बर्फी ये है जी इनकी कलाकंद। अच्छा ये है इनकी पिस्ता बादाम बर्फी। तो इनका टेस्ट यार वाकई बड़ा ज़बरदस्त है। तो आप जब भी शहर में आए तो यहाँ पे भी एक बार ना ज़रूर विज़िट करें, बड़ी स्पेशल मिठाई है इनकी। ये भाई बता रहे थे कि इनकी जो मिठाई है वो बाहर के मुल्कों में भी जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर, गुरुद्वारा की एंट्रेंस इधर से है? गुरुद्वारा कौन सा गुरुद्वारा? ये गुरुद्वारा बना है, मतलब एंट्रेंस इधर ही इधर से है। हाँ। वो जरा विजिट करना अगर आप करवा दे तो। ऊपर है फैमिलियाँ। अच्छा। फैमिलियाँ सारी हैं इस टाइम बाहर, अंदर नहीं जाते, बच्चे बच्चे सारे बाहर। मैं असल में फैसलाबाद से आया, अगर कोई हिसाब लगता है तो मेहरबानी होगी आपकी। हाँ बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा तो व्यूअर्स ये ना सामने मेरे गुरुद्वारा है, ये देखें आप, मंदिर है ये मंदिर। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे गुरुद्वारा बताया गया था, वैसे गुरुद्वारा आ गया है। हाँ, वो भी मौजूद है वहाँ यहाँ पे। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे भाई ने ना एड्रेस यही बताया कि गुरुद्वारा है। चलिए ठीक है कोई नहीं। तो व्यूअर्स ये मंदिर है, ये गुरुद्वारा नहीं सॉरी ये मंदिर है। तो ये आप इधर रह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा ये ना अंकल इधर रह रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये कितना पुराना है, ये कब से रह रहे हैं, तो बताएं अंकल ये कितना पुराना है? ये है पाकिस्तान बनने से पहले का, जो लोग वहाँ से माइग्रेशन करके आए हैं वो उन्होंने इधर आके स्टे किया है। आप रेंट दे रहे हैं इसका? हम रेंट दे रहे हैं। कितना रेंट दे रहे हैं बता सकते हैं आप? माइनर सा है। इसकी मेंटेनेंस वगैरह कर सकते हैं? अलाउ है? अलाउ है, जो मर्जी कर सकते हैं आप इसको। हाँ, मैं हम इसको गिरा नहीं सकते। अच्छा गिरा नहीं सकते आप? अच्छा व्यूअर ये देखेंगे सामने जो बिल्डिंग नजर आ रही है आपको, मकान ये पुराना है, ये पुराने हैं और ये जो बनाए हैं ये इन्होंने नए बनाए हैं अभी। अच्छा ये है, अच्छा ये अंदर से खाली, ये खाली है इसका। अच्छा अच्छा ये अंदर इसकी बुनियाद है नीचे। अच्छा ये अंदर से खाली है सारा, ये सारा इस तरह घूमता है सारा। सही, ये गोल है यानी कि गुलाई में, ये गुलाई में कि ये मतलब इसको हमने किचन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा 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 ये रूम है
ये ना इसको किचन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए ये बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं, ये किचन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, अच्छा अंदर से मेंटेनेंस किया आपने इसकी? ये अपने ना नहीं, ये वो ही है स्टील पीछे। अच्छा वो ही है सर, इसका फर्श वगैरह ना ये डाला। अच्छा अच्छा फर्श वगैरह डाला था इसका, तो बाकी जो है ना वही है यानी क्या? अच्छा ये कमरे हैं तो इनमें इनकी रहाइश है। अंकल ऊपर जाने के लिए है यानी कि कोई इधर? चले आए ऊपर से भी मैं आपको दिखाता हूँ। तीन फ्लोर है इसके? अच्छा ये थर्ड फ्लोर है। अच्छा अच्छा ये थर्ड फ्लोर है, सही। ये जो नक्शा वगैरह उसी टाइम का? सिर्फ ये सिर्फ कमरे का हमने खुद तमीर किया, बाकी ये सारा उसी टाइम। ठीक, अच्छा ये बाकी जो देख रहे हैं छतें वगैरह वही है सारी? ये उसी वक्त की है। अच्छा यहाँ तो लाइट नहीं है, लाइट नहीं है इधर। ये स्टोर बना रखा है इन्होंने, ये काम उसी वक्त का है? हाँ ये काम पुराना है, उसी वक्त का हुआ है, इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, बस इन्होंने स्टोर बना कर रखा है, इसको सामान वगैरह रखा है। अच्छा गवर्नमेंट का आपके साथ एग्रीमेंट है कोई सालों का कोई? वो हमारी है ना एग्रीमेंट, कोई नहीं किसी किस्म का नहीं है, ये है किरायादारी निजाम बस। किराए, अच्छा किरायादारी निजाम है, जितनी देर मर्जी बैठे रहे हैं आप। जितनी देर मर्जी, वो हमें ना मजबी जगह है इसमें से वो आपको नहीं उठा सकते, वो उसको उठा नहीं सकते, हम इसको गिरा नहीं सकते। ठीक हो गया। तो व्यूअर्स देखे मैंने ना आपको, ये असल में मुझे भाई ने कहा गुरुद्वारा है, तो मैं गुरुद्वारे का ही पूछ रहा हूँ। कल ने बताया कि ये गुरुद्वारा नहीं मंदिर है, तो मैं मुझे भी जब मैं अंदर आया तो मुझे पता चला कि ये मंदिर है। चले कोई नहीं, मिस्टेक हो गई। तो ये देखे मैंने आपको दिखा दिया सारा, ये सारा ऊपर से व्यू दे ओकाड़ा का, ये ओकाड़ा का व्यू है सारा। ये देखें अब स्मोक काफ़ी हो गई है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैंने वापस भी जाना है। तो ठीक है व्यूवर्स मैं चलता हूँ यहाँ से। तो व्यूवर्स अब मेरी वापसी अपने घर की तरफ 5 बज गए, तो आप दुआ करें मैं खैर वाफियत से अपने घर तक पहुँचूँ। आज काफ़ी एडवेंचर सीन है, मुझे लग रहा है सड़क बिल्कुल नहीं सही, दिन टाइम इतना सन्नाटा था उधर, तो अब कितना होगा मैं ये सोच रहा हूँ। चले कोई नहीं, अल्लाह ख्याल करेगा इंशाल्लाह। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ओके अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फुल नेरा, फुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सड़क काफ़ी ख़राब है, साइडों पे कोई लाइटें नहीं, कोई गाल नहीं, कोई बात नहीं। ये मुझे लग रहा है कि दरिया आ गया, हाँ ये दरिया आ गया, ये देखें। यहाँ पर ना एक ना ड्राइविंग का कोई पता नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं है, कैसे ड्राइविंग करते हैं, की हिसाब है की नहीं, कोई गलबात नहीं।